टीकमगढ़ की टीकमगढ़ के जतारा स्वास्थ्य केंद्र में एक्सपायरी डेट की लाखों की दवाइयां कचड़े के ढेर में पड़ी मिली हैं। दरअसल ये दवाइयां स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीजों को मुफ्त में बांटी जाती हैं, लेकिन डॉक्टर्स के जरिए अक्सर कमीशन के लालच में मरीजों को बाहर की दवाइयां लिख दी जाती हैं। वहीं कलेक्टर का कहना है कि पूरे मामले की जाँच कराई जाएगी, जाँच के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बेकार फेंक दी गई, मतलब या तो एक्सपायरी डेट की होंगे, नहीं इसकी तो फिर जांच कराएंगे, मेरे संज्ञान में नहीं है। और अगर एक्सपायरी डेट की है तो वो डिस्पोज किया जाना था, और अगर कीमती दवाइयां हैं तो फिर ऐसी फेंकने नहीं चाहिए थी, इसकी जांच कराएंगे। तो कूड़े में दवाइयां मिली, किस कदर लापरवाह बना हुआ है स्वास्थ्य विभाग, इसकी तस्वीर एक बार फिर से टीकमगढ़ में सामने आई, जहाँ वो दवाइयां जो मरीजों को मुफ्त में बांटी जानी चाहिए वो दवाइयां एक्सपायर हो गई और उन्हें आखिरकार फेंकना पड़ा। ऐसे भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कुछ सवाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी खड़े कर रहा है। सवाल ये कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कब रोक लगेगी, आखिर कूड़े में क्यों दवाइयां फेंकनी पड़ी, सवाल ये कि मरीजों को बांटी गई दवाइयां क्यों नहीं बांटी गई, सवाल ये भी कि कूड़े में कब तक ऐसे ही दवाइयां फेंकी जाती रहेंगी, मरीजों को दवा बाहर से लाने के लिए मजबूर क्यों किया जाता है। ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि जो दवाइयां मरीजों के लिए आती हैं वो दवाइयां मरीजों को क्यों नहीं दी जाती हैं, क्यों डॉक्टर्स अपने मुनाफे के लिए बाहर से दवाइयां लिखते हैं मरीजों को, और जो दवाइयां हैं वो एक्सपायर होकर कूड़े के ढेर में नजर आती हैं। और जैसे हम खबर आपको बता दें, जहां तहसीलदार पर रेत माफिया